अस्सलामुअलैकुम छोटूस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरिया। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सैफ। और हम दोनों आपके लिए लाए हैं इंडस छोटू। तो छोटू, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपसे रोजाना नए नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जो आपकी नॉलेज में इजाफा करते हैं और आप जिससे अच्छे अच्छे छोटूस बनते हैं और वो हमें हमारी बातों को सीख कर अपने पर अप्लाई करते हैं और फिर आपके घर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो छोटू, इसी तरह आज का हमारा टॉपिक है किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब खास तौर पे जो बड़े बूढ़े जो होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं। कुछ दफा बच्चे होते हैं जो एक्टिंग करने लगते हैं कि चलने का स्टाइल बूढ़ों की तरह, इस तरह बात होती है, इस तरह बुरी बात होती है। देखिए, हमने बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करते, अरे देखें ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब बल्कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए। लेकिन छोटू साहब, उनकी नकल उतारना कितनी बुरी बात है, सोचने में भी कितना बुरा। कल को फिर जब आप बूढ़े होंगे तो फिर आपके बच्चे आपका मजाक उड़ाएंगे। हाँ, ये देखिए जबीना ने बिल्कुल ठीक पॉइंट निकाला कि अगर कल को आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर दूसरे जो आपके बच्चे होंगे या जो कोई और बच्चे होंगे वो मजाक उड़ाएंगे आपका। फिर देखिए इम्पैक्ट भी बुरा पड़ता है, देखो कितना गंदा बच्चे वो बेचारे बूढ़े बाबा हैं उनके मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब है। और बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करें, भले ऐसे के मजाक, ओ देखो खांसने, ओ मुंह में दांत नहीं, ये नहीं है, ओ गर्दन कमर टूटी है, टेढ़े के ऐसे नहीं ऐप निकालने चाहिए। और देखिए भाई, अल्लाह की मखलूक है सब लोग, और आप किसी के ऐसे मजाक उड़ाएंगे कितनी बुरी बात है, खासतौर पर बूढ़े लोगों का। जैसे कभी तुमने किसी बच्चे को देखा मजाक उड़ाते हुए? हाँ, बच्चे मजाक उड़ाते हैं। हम लोग की गली में ना एक ना बूढ़े अंकल जा रहे थे, तो ना बेचारे वो ना अपनी ना वो लाठी ऐसा होता है, क्या होता है, स्टिक जैसी पता नहीं क्या होती है, वो लेके जा रहे थे। हाँ। तो ना बच्चे पीछे से ना उनको ना कोई ना गली में ना ऐसी ना किसी चीज का ना ऐसी ना गंदा सा ना डंडा पकड़ लिया और यूँ कमर पकड़ कर ना उनका मुंह बना कर ना जा रहे थे। बहुत बुरी बात है छोटू, आपको नहीं करना चाहिए। और जवेरिया ने बताया कि वो छोटू जो कर रहे थे, अगर वो हमारा शो देख रहे हैं तो देखिए इस बात को नोट कीजिए कि आपने कितनी बुरी बात की है। छोटे ऐसा भी करते हैं, अपने घर के बड़े बूढ़ों का भी मजाक उड़ाते हैं। हाँ देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि देखिए छोटू मतलब क्या सोच रहे होंगे वो बड़े बुजुर्ग, कितनी बुरी बात है, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इनकी इज्जत नहीं है, इनके माँ बाप ने इन्हें कुछ सिखाया नहीं। जब ऐसे इज्जत का सवाल आता है ना कि कितने गंदे बच्चे, तो सबसे पहले घर के माहौल, आपके माँ बाप को बोलते हैं और आपके घर के माहौल को, किसके माँ बाप ने इन्हें सिखाया, इसके घर का माहौल ऐसा होगा, अपने दादा को, अपने अपनी नानी को, अपनी दादी को, इन सब लोगों को ऐसे बोलते होंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए छोटू, बल्कि उनकी इज्जत करना चाहिए। अब देखिए सब बड़े बूढ़ों की आपको दुआएं मिलेंगी तो आपका हमेशा नुकसान नहीं, फायदा होगा, कामयाब होंगे, आपको फायदा होगा। बड़े आपको समझाते हैं छोटू, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए छोटू, अगर बड़े बूढ़े आपको कहीं भी नहीं कि बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, बोलते हैं कि बड़े मियाँ बहुत गंदे, बहुत ज्यादा, अरे बड़े मियाँ तुम ज्यादा शिकार हो। हमें एक बच्चे को देखा था ना मैंने, तो बूढ़े अंकल उसे मारने गए, वो हाथ में नहीं आया, निकल मुँह चढ़ाने लगा। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं और मेरा एक और दोस्त वो पकड़ते गए, उन्होंने कहा अरे वो बूढ़े बड़े मियाँ आप अपनी चाल तो देखो, अपनी ढाल तो देखो, इस तरह बोला उसने। मैं गया, मेरा दोस्त मेरे साथ है तो पकड़ा मैंने उसे, थप्पड़ लगाया मैं, क्या नाम है, बुजुर्ग के पास लेके गया। उन्होंने कहा बदतमीजी कर दो, ये कर दो, इसके अम्मी बूढ़े से तमीज़ें सिखाई। लेकिन देखिए जो रूज आपको देखें, बड़े बूढ़ों की मदद करनी चाहिए, आप बजाय इसका मजाक उड़ाएं। अगर उनसे चला नहीं जा रहा तो आप उनकी मदद कीजिए, उन्हें चलाइए, रोड क्रॉस करवा दीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, छोटे छोटे काम होते हैं जिनसे अच्छे अच्छे सवाब मिलते हैं, आपको नेकियां मिलती हैं और सबसे बड़ी बात उनकी दुआएं भी मिलती हैं। देखिए छोटू, आप हमेशा उनकी मदद कीजिए। देखिए उनको आप मतलब देखिए एक्टिंग करेंगे ऐसे, बहुत बुरी बात है छोटू, से तसव्वुर करें कयामत के दिन ना आपके साथ बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप बोलते ना कि ये मेरी कमर टूट, मैं मर गया, ये वो, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने जी तुमने कभी कहीं पे मिसाल देखी है ऐसी, अभी बताया तो था बच्चे करते हैं ऐसे, और एक और सिर्फ एक और चीज करते हैं बच्चे, जैसे वो तुमने एक पौधा देखा है जड़ी बूटी का, हाँ। जो चिपक जाता है, जिसको हल्का सा भी लगता है तो खुजली होती है, तो वो ना हम लोग जब, मैं खुद भी ऐसा करती थी, फिर क्या करती थी, तुम भी होते थे, तुम छोटे थे लेकिन तुम्हें इतना पता नहीं,
तो ना हम लोग बचपन में क्या करते थे, वो जड़ी बूटी का पौधा तोड़ते थे और ना जो जा रहा होता था ना पीछे से फेंक देते थे, उसकी कमीज पे खुद चिपक जाता था और इतनी खुजली होती है उससे। मुझे चिपकाया था तुम लोगों ने, मैंने खा भी लिया था शायद, मेरे गले में फंस गया था। उससे इतनी खुजली होती है, उसको खुजला के ना। और उसी दिन मैं शाहजेब के सर पे भी लगी थी, उसका सर फट गया था। अरे हाँ हाँ याद आया तुम्हें, बहुत बुरी मैंने खा भी ली थी गलती से, फिर मैं इतनी गुल्ली करवाई, फिर मुझे हालत खराब हुई, फिर डॉक्टर के लेके चिपक जाता है और इतनी खुजली होती है। और बच्चे ये भी करते हैं, हम भी ये करते थे, और मेरे उसके खाने वाले पेट में गुड़गुड़ हो रही थी अजीब से। स्कूल में गया फिर जाके देखिए मुझे भी सबक मिला, हालांकि जवेरिया तो मैं भी सबक मिला, जवेरिया को भी डांटना, खूब मम्मी ने डांटा और बैल बजाकर भी भागे थे। हाँ शादी भी मुलविस था, डांट पिटी, और कोई बूढ़े अंकल आए थे ना, है उन्हें फेंक रहा था तो बूढ़े अंकल ने डांटा, क्या हुआ भैया हम लोग तो अपना काम कर रहे, चिल्ला के बात करने लगे। देखिए सिला मिला हमारे साथ, और भी 6-7 बच्चे थे, वो उन्हें भी सिला मिला, उनकी मम्मी ने पकड़ के मारे, उन्हें पता लगा जब बूढ़े अंकल शिकायत करने आए थे हैं, जवेरिया को भी डांट पड़ी, शादी के सर पे लग गई, मैंने उल्टी खा ली। देखिए ऐसे तो बदला मिल गया उसी वक्त मिला, तो देखिए छोटू ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने बड़े बूढ़ों का एहतराम करना चाहिए, और अगर जो एहतराम नहीं करता उसका नुकसान ही नुकसान है। और अगर आप नुकसान अपना करना चाहते हैं तो छोटू हम तो आपके फायदे के लिए यहाँ पे खड़े हैं, आपको फायदा। अगर आप अच्छे बच्चे, अगर आप समझदार बच्चे हैं तो आप जरूर हमारी इन सब बातों पर अमल करें। देखिए आप हमारी बात में अगर अमल करेंगे तो देखिए आपको दुआएं भी मिलेंगी। हम लोग आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा करते हैं, तो छोटूज आप हमारी हर बात को गौर से सुनिए और अमल कीजिए। हाँ अभी जो पॉज आया था वो पॉज नहीं था बल्कि जवेरिया की हिचकी थी, तो आप जी ना समझिएगा वो पॉज रिप्ले फॉरवर्ड एंड डबल फॉरवर्ड या तेजी से रिमाइंड फॉरवर्ड हो रही है, तो उसे हिचकी आ रही है, अभी पानी पी लेगी वो ब्रेक में और बिल्कुल चकाचक हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाएगी जवेरिया, उसका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा जवेरिया की तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज मिली कि ब्रेक आ गया है? मुझे तो मिल चुकी है। तुम्हें मिल गई? हाँ। ओके तो जवेरिया यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोटू अगर आपको हमारे शो में आना है या तो आप हमसे कोई ड्राइंग शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी, या तो बर्गर शेयर करना चाहते हैं या तो पिज्जा शेयर करना चाहते हैं, तो ईमेल और एसएमएस कीजिए। ईमेल एसएमएस का तरीका आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा ईमेल और एसएमएस का तरीका और आ जाइए हमारे शो में जिसका नाम है इंडस छोटू। तो छोटू यहाँ पढ़ लेते नन्ना मुन्ना छोटा सा ब्रेक। नन्ना मुन्ना ब्रेक। वेलकम बैक छोटूस, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। ओके ब्रेक्स वापस आ गए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ कोई ना कोई मौजूद होता है, तो इसी तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है एक नन्नी मुन्नी सी प्यारी सी गेस्ट। चलते हैं उनकी तरफ और करते हैं उनसे कुछ हल्ला गुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमामा है। उमामा, उमामा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फिफ्थ। फिफ्थ, और स्कूल? न्यू प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल। कोई एक्टिविटीज हैं तुम्हारे स्कूल में? जी लाइब्रेरी, पीटी होती है, एक्सरसाइजेस करवाते हैं अलग से, और कुछ पार्टिसिपेट करती हैं किसी एक्टिविटी में, जैसे स्पोर्ट डे होते हैं? स्पोर्ट्स डे होते हैं, एनुअल फंक्शन होता है, तो आप सब में पार्टिसिपेट करती हैं? इन सब में पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब क्या? तो आपका रैंक क्या आता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। गुड। और आप पढ़ाई में कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बस, जैसे अच्छी हैं पढ़ाई में मतलब। गुड ओके, तो अगर आप अपनी मम्मा से कहती हैं कि कोई चीज़ की जिद करते हैं, आपकी मम्मा आपको दिला देती हैं? मेरी मम्मा कहती हैं, मतलब कि स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है कि मम्मा मुझे ना ये एनिमल्स चाहिए, ये पेट चाहिए, पूरा एनिमल का सेट चाहिए, इस पर लगाना है मुझे, मम्मा दिला देंगी। दिला देती हैं मम्मा? और वैसे आपकी जो विश होती है पूरी करती हैं मम्मा? जी मम्मा कहती हैं कर देती हैं पूरी। ओह गुड एक्सीलेंट। ओके तो मैं पूछ रहा था कि आपकी बर्थडे कब आती है? मेरी बर्थडे आती है 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को आप सेलिब्रेट करती हैं? कैसे करती हैं? अगर करती हैं हम आप? कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी घर में आइस केक आता है। तो और कौन से फ्लेवर का केक होता है? चॉकलेट फ्लेवर का होता है, स्ट्रॉबेरी से नाम लिखा हुआ। ओ
चॉकलेट फ्लेवर का स्ट्रॉबेरी नाम लिखा हुआ होता है। तो पहले क्या करती हैं आप बर्थडे में? हम बर्थडे में बहुत हमारी बर्थडे बहुत अच्छी सेलिब्रेट होती है। सब मुझे गिफ्ट देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह गुड, वेरी गुड। एक्चुअली सबसे अच्छा गिफ्ट कौन देता है आपको? मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट मेरी अम्मी देती हैं। ओह क्या देती हैं? मैं जो भी उनसे कहती हूँ ना वो मुझे देती हैं। आपको वो जो भी दे देती हैं? पिछली दफ़ा क्या दिया था? पिछली दफ़ा उन्होंने मुझे एक अच्छी सी डॉल दी थी। वाह, बार्बी डॉल। वैसे ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आई, क्या आखिर लड़कियां डॉल से खेलती क्यों हैं? मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो मैं उसका जवाब भी मिल जाएगा। क्या लड़कों को कार्स और क्या होता है रिमोट कंट्रोल कार्स और रोबोट और ये सब क्यों पसंद होते हैं? मेरी समझ नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि ना बस अपना अपना मज़ा होता है। और तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब कि मैंने लड़कियों का भी अपना ही मज़ा होता है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सिर्फ बारबी डॉल स्पेसिफिक क्यों लेती हैं लड़कियाँ? बारबी डॉल नहीं, डॉल की हर चीज़। बस मुझे ये क्वेश्चन मिला और मुझे आंसर मिल गया। अच्छा, तो आपकी फेवरेट प्लेस जहाँ पे आप घूमने जाती हैं, अलग अलग रहने जाती हैं, कौन सी अच्छी लगती है आपको जगह? मुझे पसंद है, मुझे ज़्यादा गार्डन्स में जाना पसंद। हुलुलुलु के गार्डन? हुलुलुलु के? हाँ जवाब तो दीजिए, कौन से गार्डन? हुलुलुलु अच्छा लगता है? गई हो हुलुलुलु कभी? नहीं। वो कह रही है। हाँ अच्छा, हुलुलुलु है क्या? कोई गाड़ी का नाम होगा। गाड़ी का नाम? गार्डन का नाम कह रही है। हम लोग ऐसे गंदे गंदे छोटू सोते जा रहे हैं दिन भर दिन अपने गेस्ट। नॉटी गंदे नहीं, नॉटी 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 नॉटी। अच्छा, तो आप हुलुलुलु नहीं गई? नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। हुलुलुलु मेरा सब कुछ हुल जलूल हो रहा होता है, हर काम जल्दी में हो रहा होता है। हाँ, हुल जलूल हो रहा होता है सब कुछ। आप जरूर जाइएगा वहाँ पे। आपकी मतलब कि अगर आपको छः पेजेस हुलुलुलु में ना क्या होते हैं रूल्स होते हैं कि वहाँ पर गार्डन में आते हैं तो वहाँ पर रूल्स होते हैं, एक जगह नहीं बैठना है और आहिस्ता आहिस्ता नहीं चलना है, बस भागना वागना है सबके। और आवाज़ जरूर निकालिए हुलुलुलु। और आप वहाँ पे जाए ना तो वहाँ पर जाके आप इतनी तेज हो जाएंगी कि अगर आपको क्या नाम है एक पूरी बुक लिखने को कहा जाए ना, पता है कितनी देर में लिखेंगी? 5 मिनट में। इतने देर जाती है वहाँ पे, एक साल जाके रहे हैं आप और वहाँ पे बिल्कुल आप तेज हो जाएंगे। ये हमारी एडवाइस है, आप हमारी एडवाइस पे जरूर। मजाक कर रहा था सॉरी, हमारी गेस्ट को कंफ्यूज कर दिया हम लोगों ने। तो कोई बात नहीं, हम तो मजाक करते रहते हैं, मजाक चलते रहते हैं। आपने हमारा शो देखा है पहले? जी बहुत। आपने देखा है मजाक करते हैं हमारा शो? जी। कैसा लगता है हमारा शो? बहुत फनी शो है आपका। फनी 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 बातें करते हैं, जैसे कि अभी हुलुलुलु हुलुलुलु की बात आ गई थी। तो और फेवरेट कलर कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट कलर रेड है। रेड? रेड आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो जैसे वो कलर बस मुझे पसंद है। पसंद है रेड कलर बहुत। और फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश है चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन, अच्छा, वो जो नूडल्स होते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मम्मा आपकी बनाती है जब आप फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर देती? मम्मा ये बना दे, मम्मा वो बना दे, ये सब बना देती है मम्मा। वैसे सब बच्चों को ज़्यादातर नूडल्स पसंद होते हैं, मुझे खुद मुझे भी बहुत पसंद है नूडल। ओके, तो अगर 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 आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी एक महीने के लिए? एक महीने के लिए अगर मुझे प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप किस से पूछ रहे हैं? जैसे पाकिस्तान के लिए आप क्या करें? पाकिस्तान के लिए? अच्छा, पाकिस्तान के लिए जैसे मैं कोई वो नहीं करूँगी, मैं हर चीज़ को आज़ाद कर दूँगी। बहुत अच्छा। हर किसी को कैद करके रखते हैं या ये जिस तरीके से ये धमाके वगैरह आते हैं, ये कुछ करने नहीं दूंगी, साफ सुथरा अपना मुल्क रखूंगी। अच्छा, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपके ख्याल सुनते तो मुझे वो पाकिस्तान दिख रहा है जो अमन और इंसाफ जिसमें होगा, वो पाकिस्तान दिख रहा है मुझे। मतलब एक आइडिया होता है ना कि काश पाकिस्तान ऐसा होता। ख़राब हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर से ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि अगर आपको एक जीनी मिले, अलादीन का जीनी, तो आप क्या करेंगी? मैं सिर्फ अपनी विशेस पूरी करूंगी। तीन विशेस हैं, क्या मांगेंगी आप? मैं
एक विश तो मांगूंगी कि मुझे अच्छा सा बहुत